लेटेड तो मेटल्स तो होंगे एक बार स्टिंग प्ले आउट करिए कौन कौन से कितने और क्यों बिल्कुल देखिए आज चार बिग स्टॉक्स हैं हाँ। पहला तो हम ऑलरेडी आई थिंक हिंट दे चुके हैं हिंदुस्तान कॉपर बैंक से बाहर निकला है हिंदुस्तान कॉपर और एक चीज इस महीने हिंदुस्तान कॉपर सिर्फ तीन परसेंट चला ठीक है ना जो भी मैं जो भी मुआया वो कल ही आया था वैसे ये एक महीने का चार्ट है लेकिन अगर आप इस महीने का देखेंगे तो करीब करीब तीन परसेंट चला है उसके सामने मेटल्स इंडेक्स कितना चला है आपका नाइन परसेंट और जबकि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कौन सा मेटल चल रहा है कॉपर कॉपर को कहते हैं ना एक डॉक्टर कॉपर हाँ। क्योंकि वो पूरे सेक्टर की हेल्थ बताता है आपको तो इसके लिए क्योंकि ये बार बार, बार बैन में आता रहता है शायद इसके लिए बड़ा गैप आप वो तो नाच चीज़ करें लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें और कॉपर की प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पर है और चल रही है तो इसके लिए इस पर मेरा आज एक फोकस रहेगा प्लस पी कंपनी है बारह महीने में बहुत चला है वैसे ये स्टॉक ठीक है दूसरा स्टॉक जो मैं वॉच आउट कर रहा हूँ जो कमिंग अप्स में भी चल रहा था वो है वेदांता अब देखिए वेदांता में एक चीज़ समझने की कोशिश करिए आप वेदांता इस समय मेरे ख्याल से मेटल्स में सबसे अंडर वैल्यूड स्टॉक है बहुत लोग कहेंगे कि ये तो सो का अब तकलीफ़ क्या होती है ना हम सब इसी तरह से देखते हैं कि 125 वाला 500 हो गया अब क्या वैल्यू है मेरे हिसाब से तो ये स्टॉक फोर डिजिट का होना चाहिए आज की डेट में मैं आपको रीजन बताता हूँ वेदांता के पास जो हिंदुस्तान जिंक की होल्डिंग है ना उसी की वैल्यू है दो लाख पांच हजार करोड़ अब आप कहेंगे कि ठीक है लेकिन उस पर होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंट दीजिए अब बुल मार्केट है बुल मार्केट है तो आप पचास परसेंट का डिस्काउंट देंगे तो दो लाख पाँच हजार करोड़ को चलिए कर दीजिए एक लाख करोड़ ठीक है वेदांता का खुद का मार्केट कैप कितना है एक लाख बयासी हजार करोड़ मतलब आपको कैन वाला बिजनेस मतलब जो उनका ऑयल एंड गैस बिजनेस है वो स्टील का बिजनेसा गोवा गोवा स्टरलाइट कॉपर सारे बिजनेस आपको मिल रहे हैं एटी टू थाउजेंड करोड़ के मार्केट कैप में ठीक है ना इन चीजों को समझने की जरूरत है सुपर साइकिल चल रही है ऑब्वियसली कुछ भी चीज ट्रेड करें आप एक स्टॉप लॉस लगाएंगे लेकिन ये मैंने कल भी डिस्कस किया था वेदांता कल भी सुबह फ्लैट खुला उसके बाद इसमें रैली आई ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनमें आप एक बार एंट्री करें फिर आपको एक स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करना होता है ठीक है इस तरीके से इसको अप्रोच करें तो ये तो हो गए दो स्टॉक्स जो मैं मेटल्स में फोकस कर रहा हूँ उसके अलावा दो स्टॉक है मेरे रेडार पर एक है पी आई इंडस्ट्रीज इसको आज मैं रेड लेके चल रहा हूँ पी आई इंडस्ट्रीज को क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर खराब है अब आप कहेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्यों देखू मैं क्योंकि मैंने जिस तरीके से पहले भी आरती दीपक वगैरह के नंबर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिस्कस किए थे इन नंबर्स को मार्केट अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेगा क्योंकि ये देखना है कि केमिकल्स में वो बॉटम बन रहा है या नहीं बन रहा है इन नंबर्स को देख के तो लग रहा है कि हालत खराब है क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू एट परसेंट नीचे एबिडा बाईस परसेंट नीचे पैट अट्ठारह परसेंट नीचे एग्रोकेमिकल्स का रेवेन्यू छः परसेंट नीचे एग्रोकेमिकल्स का एबिडा सत्रह परसेंट नीचे फार्मा का रेवेन्यू फोर्टी फोर परसेंट नीचे और फार्मा में घाटा आया इनका इन्होंने जो बिज़नेस एक्वायर किया था फार्मा का उसमें तो इसके लिए इसको आज मैं रेड में ले चल रहा हूँ पिया इंडस्ट्रीज़ को हिंदुस्तान की मार्केट का सबसे बड़ा मल्टी है वैसे ये पिछले चौबीस सालों का लेकिन ये नंबर खराब है तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि स्टॉक शायद गिरेगा और फाइनली एक स्टॉक इसका एक बार इंटर लेकर आइए अपोलो टायर्स अपोलो टायर्स में कुछ दिनों पहले बड़ी रैली हुई थी आशीष आपको याद होगा मैं जब ऑटो एंसला स्टॉक्स में बड़ी रैली हुई थी कल ये स्टॉक मिड कैप की तेजी के बीच में दो ढाई परसेंट नीचे बंद हुआ हाँ। कल मार्केट को हिंट था कि एक ब्लॉक डील होगी वो कल शाम को यतीन ने ब्रेक कर दी स्टोरी कि आज यहाँ पे ब्लॉक डील होने वाली है वॉबक पिंकस बेच रहा है अगर तो ये सौदा हो गया ना ब्लॉक डील विंडो में तो तो आपको मिलेगा ही नहीं लेकिन अगर ब्लॉक विंडो में नहीं हुआ तो आज का लो मेरे ख्याल से इसमें एक बॉटम बनाएगा एक बस का थोड़ा सा लंबा चार्ट रख दीजिए दो हफ्ते का उससे आपको कहानी समझ में आ जाएगी क्योंकि पहले रैली हुई थी स्टॉक में देखिए ये स्टॉक छः परसेंट गिर चुका है पाँच सौ तेरह तक गया था और अगर एक महीने का चार्ट हो रहा जाए ये चौदह दिन का चार्ट है छः परसेंट गिरा है इसमें एक महीने का चार्ट देखिए जहां से रैली शुरू हुई थी ऑलमोस्ट वहीं पर वापस आ गया ये स्टॉक ब्लॉक डील निपट जाए मुझे लग चार आज के बिग स्टॉक्स मेटल्स में आप रे रखिए कोई हिंदुस्तान कॉपर और वेदांता को ग्रीन में पीआई इंडस्ट्रीज सीक्वेंशली मामला गड़बड़ा रहा है ये लाल लगता है आज के लिए और अपोलो टायर्स लेट्स वेट इट आउट अगर ब्लॉक विंडो में हो गया तो अब तो खैर रुकेगा ही नहीं और एल्स आज जहां थमेगा जहां बॉटम बनेगा उसके बाद से शायद चलने की तैयारी कर रहा है खबरों में ज्यादातर स्टॉक्स इनपे आगे डिटेल में चर्चा भी करते चलेंगे लेकिन ये है आज के बेहतरीन जो स्टॉक्स आपको आप फ्रंट डॉ पे रखने हैं चलिए पैनल के पास चला जाए आप और थोड़ा सा माइक्रो का तड़का ऐड करा जाए उनसे भी उनके प्रिफर्ड आइडियाज जान लिए जाए उनके स्टॉक्स जान लिए बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें